स्पीकर ओम बिरला को पितृशोक, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रभारी सचिव राजेश यादव, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर भी साथ में मौजूद हैं। दादाबाड़ी स्थित बिरला निवास पर शोक की बैठक में शिरकत की, ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पितृशोक और इसीलिए विधानसभा स्पीकर भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ हैं, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया वहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ, हालांकि कार्यकर्ता लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं दादाबाड़ी स्थित ओम बिरला के निवास पर और सभी से मुलाकात करते हुए ओम बिरला ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो कोटा पहुँच रहे हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर हैं, बिरला को ढांढस बधाने के लिए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हालांकि कोटा के प्रवास पर ही लालचंद कटारिया भी चल रहे हैं, वहाँ पर जन आंदोलन का आगाज वो कर रहे हैं और इसीलिए तमाम कार्यक्रमों को निपटाने के बाद वो भी ओम बिरला के निवास पर पहुँचे, वहाँ पर ढांढस बधाने के लिए, अपनी सांत्वना देने के लिए। जिला प्रभारी मंत्री हैं लालचंद कटारिया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इन दिनों कोटा में ही मौजूद हैं। लगातार जो विकास के कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उन सभी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करना, उनसे फीडबैक लेना, जगह जगह जाकर दिशा निर्देश अधिकारियों को देना और वहाँ से वक्त निकालकर वो भी ओम बिरला के निवास पर पहुँचे, वहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, सभी से मुलाकात की तस्वीरें भी ओम बिरला की। जब से ही निधन हुआ है ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का, तब से ही लगातार बड़ी संख्या में जो नेता हैं, मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं ओम बिरला के, वो पहुंच रहे हैं ना सिर्फ कोटा से बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। जिसको भी ये खबर मिली कि ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला अब नहीं रहे तो लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी तमाम गाइडलाइंस को मानते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। खबरें